नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। देखिए, अभी आज हमको पढ़ना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। साथ ही साथ अभी जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का चल रहा है एक सीज़न, उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ अभी भारत और श्रीलंका के बीच मुद्रा विनिमय समझौता हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऊपर। तो अभी क्या है, जुलाई महीने में, यानी कि इसी महीने में, जुलाई महीने 2020 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,10,00,000 घरों का निर्माण हो चुका है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को, तो इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, और इसे मार्च 2016 से इसका नाम बदला गया और इस योजना को पुनर्गठित किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के उद्देश्य का, तो इसका उद्देश्य था कि वर्ष 2020 तक जितने भी आवासहीन जो लोग थे और जो कच्चे और जीर्णशीर्ण मकान में रह रहे थे, उन लोगों को बुनियादी सुविधाओं सहित एक पक्का घर प्रदान करना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो लक्ष्य है वह है कि वर्ष 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2,95,00,000 घरों का निर्माण का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का है। साथ ही साथ अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें, तो इस योजना के तहत प्रत्येक इकाई के, यानी कि जब घर बनाने के हर चरण में जो सहायता राशि है उसको केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य बांटा गया है। और मैदानी क्षेत्रों में इसमें केंद्र का हिस्सा 60% और राज्य का हिस्सा 40% है, जबकि जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य हैं उनके लिए केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% के अनुपात में पैसा खर्च करेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अगर हम बात करें, तो जो इसमें लाभार्थी हैं जिनको पहचान किया जाता है, तो उनको पहचान करने का तरीका ये है कि वर्ष 2011 में जो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना हुआ था उससे किया जाता है। इसके अलावा लाभार्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है, और इसके लिए ग्राम सभा का सत्यापन जरूरी है, तब जाके किसी भी व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में चयन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी क्या है कि असम में जो क्या था, पार्सिन उद्योग, यानी कि जो वहाँ का सुअर उद्योग है या सुअर उद्योग है, उसको कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन हुआ उससे तो नुकसान हुआ ही, साथ ही साथ राज्य को अफ्रीकन स्वाइन फीवर का भी सामना करना पड़ रहा है, और जिसके कारण अब तक असम में लगभग 17,000 सुअरों को मारा जा चुका है, और उसके पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी 4,500 से भी अधिक सुअरों की मौत हो चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये जानवरों में फैलता है, स्पेशली सुअरों में, इंसानों में नहीं। और अफ्रीकन स्वाइन फीवर की अगर हम बात करें, तो भारत में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की सूचना पहली बार असम राज्य में फरवरी महीने 2020 में ही प्राप्त हुई है। और अगर हम अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित देशों की बात करें, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जो कि संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन है, उसके द्वारा जो नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार चीन, मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, कोरिया और इंडोनेशिया अफ्रीकन स्वाइन फीवर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। और अगर हम बात करें अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस से फैलता है, और ये जो वायरस है ये काफ़ी बड़ा होता है, साथ साथ डबल स्ट्रैंड DNA वायरस होता है। और अगर हम अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात करें, तो ये जो रोग है ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक और घातक रोग है, जो कि घरेलू और जंगली सुअरों को प्रभावित करता है, और इसके संक्रमण से सुअर एक प्रकार के जो बुखार, जिसे तीव्र रक्तस्रावी बुखार यानी कि होमर हैगिक फीवर से पीड़ित हो जाता है। साथ ही साथ इस रोग की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो मृत्यु दर होती है वो 100% के करीब होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा घातक ये रोग होता है सुअरों को लेकर। और
अब तक इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है जानवरों को मारना। और अगर हम इस बीमारी की बात करें अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, तो ये 1920 के दशक में पहली बार अफ्रीका में देखा गया था। ये तो महाद्वीप की बात हो गई, लेकिन अगर हम देश की बात करें तो अफ्रीका के केन्या देश में वर्ष 1921 में देखा गया था। तो ये था अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं मुद्रा विनिमय समझौता को लेकर। तो अभी हाल ही में यानी कि 24 जुलाई 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक और श्रीलंका ने मिलकर नवंबर 2022 तक के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये चलेगा नवंबर 2022 तक। और किया कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक और श्रीलंका की सरकार दोनों आपस में समझौता किए हैं मुद्रा विनिमय को लेकर। और टोटल राशि कितना है? 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो अब अगर हम बात करें कि मुद्रा विनिमय समझौता होता क्या है, तो मुद्रा विनिमय समझौता यह है कि जो दो मैत्रीपूर्ण संबंध वाले देश होते हैं उनके बीच अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की व्यवस्था होती है। इसके अलावा मुद्रा विनिमय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विदेशी मुद्रा बाजार, साथ ही साथ विनिमय दर में स्थिरता और अन्य जोखिमों को कम करना होता है। और जो सामान्यतः किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक यानी कि भारत के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक, साथ ही साथ यहाँ की सरकार, तो यह है कि किसी भी देश का केंद्रीय बैंक और वहाँ की सरकार देश में विदेशी मुद्रा की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी समकक्षों के साथ यानी कि अन्य देश की सरकार और वहाँ की केंद्रीय बैंक के साथ मुद्रा विनिमय समझौता करते हैं। अभी जो श्रीलंका के साथ किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि श्रीलंका को भारत ने 940 मिलियन का लग 940 अमेरिकी डॉलर 940 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दे रखा है। अब दोनों देश क्या किए हैं? 400 मिलियन डॉलर का मुद्रा विनिमय समझौता किए हैं। तो इससे ये होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच जो भी व्यापार होगा वो दोनों दोनों ही देश अपने अपने मुद्रा में करेंगे और उसकी कीमत अधिकतम 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होगी। यानी कि 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर दोनों ही देश आपस में अपने मुद्रा में व्यापार करेंगे। तो ये था मुद्रा विनिमय समझौता जो कि भारत और श्रीलंका के बीच 24 जुलाई 2020 को हुआ है। और इस ये भी ध्यान देना है कि जो मुद्रा विनिमय समझौता होता है ये एक मतलब द्विपक्षी या बहुपक्षी भी हो सकता है। बहुपक्षी के उदाहरण की बात करें हम तो वर्ष 2012 में भारत सरकार ने सार्क देशों के साथ भी ये सौदा किया था, यानी कि मुद्रा विनिमय समझौता वर्ष 2012 में किया था। अब चूंकि श्रीलंका के साथ अभी किया है तो श्रीलंका की थोड़ी सी राजधानी के बारे में भी हम जान लें। तो श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, पहला है श्री जयवर्धनेपुरा और दूसरा है कोलंबो। तो श्री जयवर्धनेपुरा की बात करें तो यहाँ पर विधायिका है, जबकि कोलंबो में न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। और श्रीलंका में सिंगल और तमिल भाषा बोली जाती है। साथ ही साथ अगर हम श्रीलंका के धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म वहाँ बहुलता में है। 70.2% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है, जबकि 12.6% आबादी हिंदू धर्म को मानती है और 9.7% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, जबकि 7.4% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। तो ये था मुद्रा विनिमय समझौता और अफ्रीकन स्वाइन फीवर और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी। अंत तक देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।